हेलो एवरीवन, मैं नमसा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अभिषा। आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर। एक दफा फिर से जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आज वीडियो में देखने वाले पाकिस्तान लड़के को इंडिया के लड़के ने बना दी अपनी बेगम। ऐसा करते हैं, देख लेते हैं। मैं शनाज हूं और बंटी जी, अब मजा आएगा इंटरव्यू देखने में। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा व्लॉग अभी तक नहीं देखा तो प्लीज फिर देखते हैं। करते गए आज देखो तो हमारी बेगम बन चुकी हो, पाकिस्तानी बेगम। नहीं नहीं, इसलिए नहीं जोड़ते हैं क्योंकि तुम मेरी बेगम हो, इसके लिए जोड़ते हैं। मैं नेपाल नहीं आऊंगी। तो कोई बात नहीं, दुबई आ जाना, हम दुबई पहुंच जाएंगे। मुझे बताएं, इंडिया में सबसे बेस्ट और फेवरेट जगह कौन सी है? गोवा चलो, क्योंकि मैं कोई ऐसा लुच्चापना किसी के साथ करता नहीं हूँ। मैं बस तुम्हारे साथ में, तुमने एक दिन बोला कि नहीं तुम मेरे शोहर हो, ये हो वो हो, मीठी मीठी बातें करी, तो मैंने कहा ठीक है, आज से तुम मेरी बेगम। मैं तो कहता हूँ सीमा वाले रास्ते से आओ ताकि ज्यादा से ज्यादा तुम्हें वो मिले, क्या बोलते हैं, मीडिया कवरेज मिले, ताकि तुम वायरल हो हिंदुस्तान में, आके तुम लोग बनाओ। और फिर मेरे को ऐसा मीडिया कवरेज नहीं चाहिए, फिर नाजिया इलाही खान जैसे लोग मुझे रोस्ट कर देंगे बैठ के। और आप भी सबसे पहले रोस्टिंग वीडियो बनाएंगे। मैं काहे को रोस्ट करूंगा, मैं अपनी बेगम को क्यों रोस्ट करूंगा, तुम्हारा दिमाग खराब है। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। ये वीडियो है पाकिस्तानी यूट्यूबर महविश नाज और इंडियन यूट्यूबर HKHR बंटी जी के। महविश नाज ने बंटी जी को अपने चैनल पर इनवाइट किया था। दोनों के बीच इंडिया पाकिस्तान से जुड़े बहुत सारे मसलों पर बातचीत हुई, लेकिन सबसे ज्यादा इन दोनों में जो बातचीत हुई है वो शादी को लेकर हुई। बंटी जी अपनी तरफ से महविश नाज को अपनी बेगम मान ही चुके हैं, वही महविश नाज भी जल्द ही अपने बादशाह से मिलने दुबई जाने वाली है। महविश और बंटी जी दोनों दुबई में मिलने वाले है। साथ ही वीडियो में बंटी जी से गोवा के बारे में पूछ रही है। बंटी जी ने कहा कि जब महविश नाज इंडिया आएगी तब बंटी जी महविश नाज को गोवा घुमाने ले जाएंगे। वैसे अगर महविश नाज बंटी जी से शादी करती है तो महविश नाज को एक अच्छा सा पत्नी व्रता पति मिल जाएगा, जो महविश के अलावा दूसरी तीसरी चौथी शादी नहीं करेगा। आखिरी सांस तक महविश जी बंटी जी की इकलौती पत्नी रहेगी। इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते सुधरेंगे या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ये दोनों अपने रिश्ते अच्छे से जोड़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहले ये वीडियो और फिर बात करते हैं इस वीडियो के एंड में। बंडी जी, अगर आपको आपके कंटेंट के हवाले से पूछूं, आप रोस्टिंग वीडियोस भी करते हैं इतने टाइम से, और पाकिस्तान पे ही क्यों होती हैं वो मेजॉरिटी? पाकिस्तान आप फजा अली को बड़ा रोस्ट कर रहे होते हैं, इस तरह पाकिस्तान की कुछ है लोग जिन देखिए पाकिस्तान है ना, रियायती हरीफ है हमारा, ये बात तो आप मानेंगे कि पाकिस्तान का जन्म ही एक नफरत की बुनियाद पे हुआ है। नफरत की बुनियाद मतलब नफरत, दुश्मनी, रियायती हरीफ मतलब कट्टर दुश्मन होता है। काफ़ी हिंदुओं को नाम नहीं पता होगा, पाकिस्तानी हमें रियायती हरीफ कहते हैं। जब हम तुम्हारे रियायती हरीफ है, तुम हमारे रियायते हरीफ हो, तो भाई हमारे बीच में मोहब्बत की तो कोई चीज़ ही नहीं हो सकती है। पाकिस्तान के कॉन्टेंट देखे, वहाँ पर इतना झूठ और प्रोपेगेंडा चल रहा था, और उस टाइम पर क्या है, कोई लोग थे भी नहीं ऐसे जो उनको काउंटर करने वाले हो, हिंदुस्तान की ऑडियंस को सच बताने वाले हो। वो भी क्या करते थे, हिंदुस्तानी क्रिएटर जो भी थे, अपलोडर यूट्यूबर, वो वीडियो पाकिस्तान मीडिया से पिक करते थे और इंडिया में ऐसे कैसे, बिल्कुल उनका झूठ और प्रोपेगेंडा। तो मुझे लगा कि मुझे सच तो बताना चाहिए, भले इन पाकिस्तानियों का जो ये चल रहा है वो इधर से नहीं तो उधर से देख लेंगे, कहीं ना कहीं से तो देख ही लेंगे, तो कम से कम इनको सच तो बताया जाए। शुरू शुरू में लोगों को पसंद नहीं आया, फिर बाद में लोगों को अच्छा लगने लगा, तो फिर मैं भी कंटिन्यू हो गया। करते गए आज देखो तुम हमारी बेगम बन चुकी हो, पाकिस्तानी बेगम। अच्छा, ये अभी जो आपने बेगम वाली बात बोली ना यार, आई डोंट नो, लोग, मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट की पिक्चर कम्युनिटी पे लगाई, उसके नीचे भागलो की तरह भाभी 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 लिखी, अभी भी कमेंट में बोले जा रहे हैं। मैं तब से पढ़ रही हूँ कि ये क्या है, क्यों आपने कोई वीडियो ऐसी डाली थी, कोई क्लिप, क्यों ऐसे करते हैं? देखो, और किसी के साथ तो नहीं जोड़ते? नहीं नहीं, इसलिए नहीं जोड़ते हैं क्योंकि तुम मेरी बेगम हो, इसके लिए जोड़ते हैं। मैं नेपाल नहीं आऊंगी। तो कोई बात नहीं, दुबई आ जाना, हम दुबई पहुंच जाएंगे। मुझे बताएं, इंडिया में सबसे बेस्ट और फेवरेट जगह कौन सी है? गोवा चलो। गोवा, हाँ सुना नाम गोवा कभी? वाले बीच पे वो वाला गोवा। खैर, ये आपने हैट किससे इंप्रेस होके पहनी हुई है?
आपको इम्प्रेस ये हैट मैं तुमको इस यही हैट पहनाने पहनाना चाहता हूँ अपने हाथों से अपनी हैट उतारूंगा और मैं तुम्हें पहनाना इसलिए पहनिए। एक बात बताएं ये ठरक इंडियन होने की वजह से है, लड़का होने की वजह से है या बंटी होने की? ये ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। अगर तुम मेरे जो मतलब मुझे जानने वाले जितने भी इतने सालों से मुझे जान रहे वो मुझे नहायत ही शरीफ समझते हैं और मैं हूँ भी शरीफ, क्योंकि मैं कोई ऐसा लुच्चापना किसी के साथ करता नहीं हूँ। मैं बस तुमके तुम्हारे साथ में तुमने एक दिन बोला कि नहीं तुम मेरे शोहर हो ये हो वो तो मैंने कहा ठीक है आज से तुम मेरी बहन हो। मैंने कभी नहीं बोला, मैंने ये देखा ये इंडियंस ये दोगलापन है। अभी इंडियंस जो है ना मुझे सपोर्ट करेंगे इस चीज में, दे नो वेरी वेल ये ऑडियंस नहीं बोला और वहां से ये बात चली, मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ जो कमेंट की बात की आपने, जो जो लोग बोलते हैं देखो लोग भी इंजॉय करते हैं, वो भी चाहते हैं कि मेरा घर बच जाए, एक पाकिस्तानी लड़की हिंदुस्तान की बहू बन के आ जाए। अब सीमा आ गई है देखो, उसके 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर हो गए, लोग प्यार कर रहे हैं ना, सपोर्ट कर रहे हैं ना। तुम भी आ जाओगी तुमको भी बहुत सपोर्ट करेगा, मीडिया ट्रायल मिलेगा। मैं तो कहता हूँ सीमा वाले रास्ते से आओ ताकि ज्यादा से ज्यादा तुम्हें वो मिले, क्या मीडिया कवरेज मिले, ताकि तुम वायरल हो हिंदुस्तान में आके तुम ब्लॉग बनाओ और फिर मेरे को ऐसा मीडिया कवरेज नहीं चाहिए, फिर नाजिया इलाही खान जैसे लोग मुझे रोस्ट कर देंगे बैठ के, और आप भी सबसे पहले रोस्टिंग वीडियो बनाएंगे। मैं काहे को रोस्ट करूंगा, मैं अपनी बेगम को क्यों रोस्ट करूंगा, तुम्हारा दिमाग खराब है। अच्छा मुझे एक बात बताएं आप हमेशा मुझसे पूछते हैं नेपाल आने का, इंडिया आने का, आप खुद कभी पाकिस्तान की जाना चाहते हैं? पाकिस्तान कोई आने की जगह, जीता जागता नरक है, नरक जन्नुम जिसे कहते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या है कुछ भी तो नहीं है। खबरदार जो मेरे मुल्क को कुछ कहा तो तुम्हारा मुल्क बनाने वाला जिन्ना भी आतंकवादी था 11 महीने राज करने के चक्कर में इतने इतने जिहालिस्तान बना के चला गया जिन्ना। यार ऐसे तो मत बोलो, मेरे मुल्क को मेरा घर है ये। ठीक है नहीं तुम्हारा घर है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, लेकिन मेरे बोलने का मतलब है पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जैसे पाकिस्तान में जो हिंदुओं की चीजें थी, पुरातत्व चीजें थी, मंदिर थे, कोई धरोहर थी, वो भी तुमने संभाली नहीं, उनकी भी तुमने बेगुरमती कर दी है। अब देखो मैं तुम्हारी पाकिस्तानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं बताऊँ क्या है, देखो तुम मुसलमान तो हो नहीं, असली अरबी हो नहीं, यूएई वाले हो नहीं, तुम असली मुसलमान है। तुम्हारे पूर्वज थे मतलब उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया, भले वो इन्फ्लुएंस में आके अपनाया हो चाहे डर के अपनाया हो, अपनाया उन्होंने, थे सारे हिंदू हिंदुस्तानी, उन्होंने अपना लिया। अब क्या है कि तुम ना तो वो अरबी बन पाए ना तुम हिंदू रह पाए, तुम बन गई हो बीच की नस्ल, एक अजीब नस्ल जो दुनिया के सर की दर्द बन चुकी है। ये तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा, तुम्हारे पाकिस्तान मुल्क के लिए बोल रहा हूँ, इसलिए मैं पाकिस्तान में आना ही नहीं चाहता हूँ। अच्छा अभी मुझे कोई कह रहा था, अभी यहाँ कमेंट किसी ने किया है, बंटी जी महवेश को पाकिस्तान को इंडिया बुलाइए। भाई आ जाओ, मैं तो कब से बोल रहा हूँ भाई आ जाओ पलक पावड़ा बिठा के। मैं तो कह रहा हूँ अगर तुम जिस दिन बोलोगे ना कि मैं आ रही हूँ, मैं अपनी लाइव में आऊंगा, अपनी ऑडियंस को बताऊंगा कि हाँ भाई मैं भी आ रही हूँ, हमको सबको नेपाल बॉर्डर चलना है, लेके आएंगे। मैं सही बता रहा हूँ तुम्हारे वेलकम में कम से कम 10,000 लोग खड़े होंगे। भाइयों से पूछ लो क्यों भाई लोग, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, तुम आने वाली बनो बस। यार आने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, 4 बच्चों के साथ आना पड़ता है। देखो सीमा है बच्चे बताना, देखो आपने वो सीमा सचिन वाली वो पबजी वाली स्टोरी थी, हमारी यूट्यूब वाली स्टोरी है, तो बच्चे डोंट डलाओ, बच्चे कोई नहीं, वो भी तुम्हारे तो वो भी छोड़ाना पाकिस्तान में भाई, हम बच्चे हम यहाँ हिंदुस्तान में पैदा करेंगे, हिंदुस्तान की सरजमीन में। चले जी मैं दुबई का जरूर प्लान करूंगी, अभी जल्द कर भी रही हूँ, मेरा पासपोर्ट वगैरह आ गया सारा बनके, तो दुबई का प्लान कर रही हूँ, हम लोग जल्द मिलेंगे दुबई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, फिर ब्लॉग शूट करके वो ब्लॉग ऑडियंस तक जरूर आएगा। नहीं फिर तो लाइव आएंगे, गाना गाऊंगा ना मैं तुम्हारे लिए दुबई में, खलीफा के सामने, चिंता क्यों करती है, हाथ में हाथ पकड़ के। अभी जो 22 जनवरी आ रही है वो अलग इवेंट है एकदम, वो दिवाली से भी बड़ा बनना चाहिए। दिवाली में तो ये सब जैसे रामायण के अंदर भगवान राम ने जब उसका वध कर दिया था रावण का, तब वो अपने घर आए थे, तो वो दिवाली जो दिन दिवाली मनती है ना वो उस दिन का दिन होता है। अभी हमारे भगवान अपने अपने घर जा रहे हैं 22 जनवरी को, तो ये दिवाली जैसा सेलिब्रेशन है। बेस्ट ऑफ लक बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं आपको उस दिन की, उस जो आप लोगों का फेस्टिवल है। कभी है ना कभी फुर्सत में मेरे से काम मतलब फोन पे बात करना,
तब मैं तुम्हारे को समझाऊंगा कि रामायण क्या है, राम क्या है, सीता क्या है, तब तुम्हारे को दिमाग में जो कंफ्यूजन है ना ये खत्म हो जाएगा। फिर तुम वीडियो चालू करते बोले कि जय श्री राम जय बजरंगबली। अच्छा मुझे ना इसकी कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं पता, कोई डिटेल्स नहीं पता, जैसे मतलब इसलिए तो मैं तुम्हें बोला कि कभी तुमको फुर्सत हो ना 10 मिनट की 15 मिनट की तो कभी फोन पे बात करना, फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे क्या, फिर तुम भी बोलोगे जय श्री राम जैसे वो नायला नहीं बोलती जय श्री राम। जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो तैयार। देखा ही आप सबने इसमें महवेश नास और बंटी जी ने भाई प्लान बना लिया है अब दुबई में मिलने का। दुबई एक बहुत फेमस स्पोर्ट है आशिकों के मिलने का, मुझे तो लगता है सारे आशिक वहां पे जाके मिलते हैं। जिसको भी मिलना होता है ना, चाहे वो इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, या फिर दुनिया के किसी भी कोने से हो, उनका प्लानिंग होती है कि भाई दुबई में मिलना है, क्योंकि दुबई जो है ना हमारे पाकिस्तान से भी इतना ज्यादा वो दूर नहीं है, मतलब कि टिकट सस्ती होती है और इंडिया से भी वहाँ की टिकट जो है ना वो सस्ती होती है, तो रीजनेबल मतलब एक बजट बन जाता है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान तो जो यहाँ के आशिक है ना वो आ जा नहीं सकते। लेकिन भाई सीमा हैदर ने प्लान बनाया था दुबई में मिलने का, लेकिन उससे पहले भाई जो सचिन है ना उनका पासपोर्ट बन नहीं था पाया, इस वजह से जो है ना वो दुबई नहीं थे मिल पाए। तो उन्होंने बोला कि चलो तुम आईडी कार्ड तो तुम्हारे पास है ना, आईडी कार्ड के जरिए जो हिंदुस्तानी है ना वो नेपाल जा सकते हैं, तो वो नेपाल फिर एक दफा मिले। तो इस तरह से अभी इन्होंने प्लानिंग किया भाई जो है ना दुबई में मिलने की, मतलब वो बोल नहीं है कि हमारा ऐसा कोई चक्कर नहीं चल रहा जैसा कि फैंस वगैरह है ना, वो बस एक फ्लर्टिंग होती है ना उसको पसंद करते हैं, तो भाई इंटरटेन एज एंटरटेनमेंट लोगों को इंटरटेन करते हैं। लेकिन अगर वो मिले तो भाई वो ब्लॉग बना के शूट भी करेंगे, अगर वो मिले तो भाई हम भी उस पर रिएक्शन जरूर देंगे, हम भी रिएक्शन देना पसंद करेंगे। वैसे दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है ना, कैसी लगती है जोड़ी, तो अच्छी है भाई जोड़ी तो प्यारी है, लड़की भी प्यारी है लड़का भी प्यारा, अगर हो जाए तो वैसे वाकई में अगर ये इनकी होगी ना शादी तो मैं भी तो बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाएंगी, लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो भाई बहुत आपको हमें आपको कैसी जोड़ी लगती है सिंधु, अच्छी है ना, अच्छी लग रही है जोड़ी, लोगों को बड़ी पसंद है, असल में ना इंडिया के लोगों को इन दोनों की जोड़ी बड़ी पसंद है, तो मुझे खुद भाई अच्छी लगी है, लेकिन भाई हमारे पसंद करने से तो नहीं ना कुछ होता, खुद हाँ तो फिर है ना, लड़का तो बिल्कुल फुल रेडी बैठा हुआ, लड़की अब थोड़ी नखरे दिखा रही है, अब देखते हैं कब मानती है वो। लेकिन अच्छा लगा, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलता है एक और वीडियो।